दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके चैनल पर फेक स्ट्राइक किस कारण आते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जिसपे फेक स्ट्राइक आ जाते हैं। कुछ लोग अपने चैनल को बचा लेते हैं, कुछ लोग नहीं बचा पाते। ज़्यादातर उन चैनलों पर फेक स्ट्राइक आते हैं जिनके 1 लाख से कम सब्सक्राइबर होते हैं। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले के चैनल पर बहुत कम स्ट्राइक आते हैं। तो दोस्तों, 1 लाख से कम सब्सक्राइबर वाले पे ज़्यादा फेक स्ट्राइक क्यों आते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कंफर्म करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फेक स्ट्राइक आने का सिर्फ एक ही कारण है, वो खुद यूट्यूब। अगर आपको कोई स्ट्राइक देता है तो यूट्यूब उसे चेक नहीं करता है और आपके चैनल पर स्ट्राइक दे दिया जाता है। दोस्तों, इसे हटाने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। फर्स्ट, अगर आप यूट्यूब पर काउंटर क्लेम करते हो, अगर यूट्यूब आपके काउंटर क्लेम को देखता है तो आपका जो है फेक स्ट्राइक हट जाएगा। अगर आपके काउंटर क्लेम पे YouTube जो है ध्यान नहीं देता है तो आपको सिंपल आपको उस बंदे से कांटेक्ट करना है जिसने आपको फेक स्ट्राइक दिया है। अगर वो मान जाता है तो आपके फेक स्ट्राइक को वो हटा देगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, अगर आपके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपका चैनल वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका चैनल वेरीफाई हो जाता है तो आपके बहुत कम चांस होता है कि आपके चैनल पर फेक स्ट्राइक आ जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।